हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कीमा के समोसे। तो उसके लिए पहले हम डो बना लेंगे, इससे हम पट्टी बनाएंगे समोसे की। तो मैदे में नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर पानी के साथ हम रोटी का जैसे डो बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे और आधे घंटे तक रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद इस तरह से छोटी छोटी हमें रोटी बनानी है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और जो ड्राई आटा होता है उसे स्प्रिंकल कर देंगे और उसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह से हम दो लेयर्स बना लेंगे। अब इन लेयर्स की हमें एक बड़ी सी रोटी बनानी है, पतली सी, आप देख सकते हो उसकी थिकनेस इतनी रखनी है। अब इस रोटी को हम तवे पर सेक लेंगे, हमें पूरी तरह से नहीं सेकना है, बस 1 से 2 मिनट दोनों साइड से हम सेक लेंगे और इसके जो लेयर्स हैं वो इस तरह से अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। इसे निकालने के बाद, थोड़ा ठंडा होने के बाद, इससे आप स्प्रिंग रोल की शीट्स या फिर समोसे के लिए पट्टीज बना सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैंने स्क्वायर कट कर लिया है शीट, उससे मैंने इस तरह से समोसे के लिए पट्टीज बना ली हैं, बहुत ही इजीली सेपरेट हो जाती हैं। आप इन्हें फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हो, एयरटाइट बैग या कंटेनर में 2 हफ्तों के लिए। तो चलिए समोसे बनाते हैं। तो समोसे की स्टफिंग के लिए यहाँ पर पहले 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, उसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का कूटा हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। उसी के साथ हल्दी, मिर्च, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने मटन कीमा यूज़ किया है, आप चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हो। कीमा को अच्छी तरह से पकाना है हमें। कीमा अच्छी तरह से कुक होने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे बस हल्का सा मिक्स करते हुए पका लेंगे। प्याज को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, इसलिए हमने एंड में इसे डाला है। तो ये देखिए, समोसा की ये जो पट्टी है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कोन शेप में और ये जो स्टफिंग हमने बनाई है कीमा की उसे डाल देंगे। और समोसे को सील करने के लिए मैदे और पानी का घोल यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि समोसा अच्छी तरह से सील हो जाए और ऑयल में जो है वो निकले ना। तो ये देखिए, इस तरह से सारे समोसे बना लिए हैं मैंने। अब इसे आप चाहें तो फ्रीज़र में रख सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट फ्राई कर सकते हो। फ्रीज़र में इसे रखना है तो एयर टाइट कंटेनर या फिर बैग में आप डालकर इसे 1 महीने तक रख सकते हो और सारे रमज़ान आप इस तरह से समोसों को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कीमे का यूज़ किया है, आप चाहें तो वेजिटेबल पनीर या फिर मीठे समोसे भी बना सकते हो। ये देखिए कितने परफेक्ट समोसे बनकर रेडी हैं, क्रिस्पी, करारे और अंदर से सॉफ्ट, जूसी। तो इस तरह से आप भी बनाइए और फ्राई कीजिए या स्टोर कीजिए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।